कि ऋषि ही मेरे पति अविनाश है, इसलिए तो दिन रात आपके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमती रहती थी मैं। भगवान मुझे माफ कर दे, मैंने अपने पत्नी पे शक किया जिसने मेरे लिए इतने सारे दुखे हैं। मुझे माफ कर दो साहब, आई लव यू। मम्मी मम्मी मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मेरे सर के बाल में भी दर्द हो रहा है। किसने मारा, किसने किया तुम्हारा ये हाल बेटे? किसने मारा तुम्हें? बोलो ना ये क्या हुआ, और सावित्री का भी कहाँ है? चलो मम्मी। अरे कहाँ जा रहे हो सावित्री? उनमो आजकल सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं, कितनी तेज हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि अचार की तरह, अचार भी कौन सा सस्ता है, मैं तो कहता हूँ नमक की नमक की तरह छुआ छुआ के खाना चाहिए। ऐसी बात कर रहे हैं प्राजी, ऐसे तो सब्जी कभी खत्म ही नहीं होगी। अरे नमस्ते, आप लोग कौन है और कहाँ इतनी जल्दी में जा रहे हैं? अरे अरे नमो निकल लिए। अरे मैं क्या पागल हूँ जो इनसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो? मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। नजर ना लगे प्राची, मैं तो कहती हूँ पूरी दाल ही काली है। ओए चल के देखते हैं कितनी दाल काली है। हाँ। चल अविनाश भैया के साथ रहते रहते सावित्री भाभी भी, पति तो पति पत्नी भी ऐसी, गैर मर्द के साथ गुल खिलाना शुरू। सावित्री गैर मर्द की बाहों में क्या कर रही है? तुम्हें शर्म नहीं आई हम सब की आंखों के सामने ये सब कर रही हो, और वो भी शादीशुदा होते हुए? तू ये भूल गई कि तू इस घर की बहू है? अगर आज मेरा अभी यहां होता क्या सोचता? बस कीजिए मम्मी जी, बहुत हो गया। माना कि हम दोनों शादीशुदा हैं, वो इसलिए क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं। कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि मैं ऋषि नहीं हूं, आपका बेटा अविनाश। क्या तुम भैया? भैया भैया सासू मां ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। मुझे नहीं पीना पानी। और आपको इस नाटक का कब से पता चला? ये गल कर रहे हो समझन जी, मैंने सुई बराबर भी पता होता तो मैं आपको बता नहीं देता। और मैडम आपको? जी अभी अभी पता चला जब इन्होंने गले लगाया मुझे। झूठ मत बोलो। नहीं सासू मां सच में। झूठ मत बोलो सावित्री, जब से ये अविनाश ऋषि बनकर आया तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे तो हाव भाव ही बदल गए, कौवे की तरह से ढूंढती रहती। नहीं सासू मां वो मुझे अभी पता चला, नहीं तो कौन सी पत्नी अपने पति से दूर रहना चाहती है? बस करो बहुत हो गया तुम्हारा ये ऋषि वाला ड्रामा, तुम न कभी सुधरे थे और न कभी सुधरोगे। जो लड़का अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। मम्मी जी मैं यहां किसी को धोखा देने या किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आया, मैं तो यहां आप लोगों को प्यार के लिए आया था। अभी आप ही सोचिए कि मैं आप लोगों के बिना इतने दिन कैसे रहता। एकदम झूठ झूठ, तुम यहां ऋषि बनकर इसलिए आए थे ताकि तुम्हारे उन कारनामों पर पर्दा पड़ जाए। एक बात याद रखो, रोमा वाली हरकत जो तुम्हारी थी ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कल्याणी के लिए उसका बड़ा बेटा मर चुका है। मम्मी जी प्लीज ऐसे मत कहिए ना। चुप।
अविनाश, अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारूं, तो तुम अभी इसी वक्त इस घर से चले जाओ। नहीं सासु, सुनिए, आप इस घर से बचें। और आप लोग सब भी कान खोल के सुन लो, आज के बाद किसी ने अगर अविनाश के साथ कोई भी रिश्ता रखा या उसे मिलने की कोशिश की, तो वो इंसान इस घर में कदम नहीं रख सकता। चले जाना से, चले जाना से। आधा किलो घी, आधा लोटा गंगा जल, आधा नारियल और ये आधा किलो मिठाई का डब्बा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब कुछ आधा आधा किलो क्यों, जबकि मैंने तो वादा किया था कि मैं सब कुछ एक एक किलो चढ़ाऊंगी, है ना माता रानी? क्योंकि आपने मेरे सारे काम आधे आधे किए, इसीलिए। और कामया का एक नियम है, जितना काम उतना ही दाम। माता रानी, मेरी जिंदगी के दो दो कांटे हैं, सावित्री भाभी और ऋषि। ऋषि का तो पत्ता आपने साफ कर दिया, लेकिन सावित्री भाभी, उनका तो कुछ भी नहीं किया आपने। देखिए माता रानी, कुछ भी करके कुछ ऐसा चक्कर चलाइए कि सावित्री भाभी और अविनाश भैया एक हो जाए, लेकिन घर से बाहर। ये घर तो काम्या का है ना, और इस घर पर राज सिर्फ काम्या का होगा। और वैसे भी इस घर में कितना ब्यूटीफुल कपल है, काम्या और यश। देखो माता रानी, आप मेरे पूरे पूरे काम करो और फिर पूरा पूरा चढ़ावा पाओ, बस प्लीज। अभी मैं चलती हूँ।